हमारे आपका रुख करेंगे हम, लेकिन लगातार अपडेट मिल रहे हैं। वोटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, द्रौपदी मुर्मू आम जनता की उम्मीदवार हैं। जेपी नड्डा ने ये बात कही ट्वीट करके। तो एक के बाद एक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आज मतदान होना है, 21 जुलाई को काउंटिंग होगी, लेकिन इस बीच द्रौपदी मुर्मू से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ट्वीट, द्रौपदी मुर्मू आम जनता की कैंडिडेट हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जब से एनडीए ने जैसे ही अपने कैंडिडेट के नाम के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का ऐलान किया था, उनके नाम का जिक्र किया, तब से हमने ये देखा जो विपक्ष अपने आप को बहुत मजबूत बताता है वो भी बिखरता हुआ नजर आया, उसमें भी हमने अलग अलग राय देखी। जी देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था उस वक्त उनके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में करीब 51% वोट थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वो लोगों से मिलते गई, वोट परसेंट बढ़ता गया और आज करीब 61% वोट के साथ मतदान शुरू होगा, जो कि दिखता है कि किस तरह से आगे बढ़ चुकी है और जीत उनकी तय पहले से थी, लेकिन एक बड़े मार्जिन से जीत की तरफ बढ़ रही है। शिवसेना का जो अगर आप उद्धव ठाकरे गुट देखिए, पहले उन्होंने समर्थन नहीं किया तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को समर्थन किया, लेकिन बाद में उनको समर्थन करना पड़ा। इसी तरह से जीएमएम, जो कि खुलकर विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा के साथ थे, उन मीटिंग्स में मौजूद थे जिनमें यशवंत सिन्हा को चुना गया, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू सामने आई, एक आदिवासी महिला, एक ट्राइबल महिला जब सामने आई, तो उनको समर्थन करना पड़ा। इसी तरह कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो भी नेताओं से मेरी बात हो रही थी, एनडीए के एक दो नेताओं से बात हुई, उनका यह कहना था कि जब मतदान होगा तो अक्रॉस द पार्टी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है, तो जो ट्राइबल सांसद हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो हैं, वो खुलकर मतदान करेंगे अपने पार्टी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर मतदान जो हो रहा है वो एक राष्ट्रपति चुनने के लिए हो रहा है, किसी के पार्टी के प्रेसिडेंट को नहीं। और देखिए, इसीलिए जेपी नड्डा ने कहा है कि ये राष्ट्रपति जो है ये जनता के राष्ट्रपति है और उनके पक्ष में ही ये बातें लिख रही है। उन्होंने बकायदा एक आर्टिकल उनका आया हुआ है, उसको ट्वीट किया है कि कैसे और क्यों ये जनता से जुड़ी हुई है, जनता की और पूरा जो उनका राजनीतिक जीवन है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव जो है, देखिए 10 बजे शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो मीडिया से पहले बात भी करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण पूरा जो चुनाव है ये अलग होता है। हरे रंग की पर्ची होती है सांसदों की, गुलाबी रंग की पर्ची होती है वो विधायकों की होती है, एक विशेष पेन होता है जिससे मतदान होता है, जब उस पर टिक किया जाता है। आज शाम 5 बजे तक, 10 से 5 बजे तक मतदान है। पीछे जो संसद भवन है वहां पर कमरा नंबर 63 है, वहां पर मतदान की प्रक्रिया होगी। 6 बूथ बनाए गए हैं और वहां पर रेड कारपेट लगे हुए हैं, बहुत बेहतर तरीके से पूरे 6 नंबर, जो 63 नंबर कमरा है उसके आसपास सजाया गया है।